लेना है तो दो नंबर की पोजीशन में आप, यहाँ पे स्लिप रोड भी है तो आप तीन है, अगर आपको राइट टर्न लेना है तो आपको गाड़ी कहाँ पे रखनी है, ये जो पोजीशन है यहाँ पे आपको इंडिकेटर चेंज करना होगा। हम कंफ्यूज हो जाते हैं अगर आपको यहाँ से राइट टर्न, अब अगर मान लीजिए आपको स्ट्रेट जाना है और तीन लेन यहाँ पे बनी हुई है तो आपको गाड़ी कहाँ पे रखनी है, आपको गाड़ी, ये रहा स्लिप रोड और इसको क्रॉस करती बार आपको साइकिल वालों का ध्यान। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और आज की जो वीडियो है ना, चंडीगढ़ में गाड़ी कैसे आप इजीली चला सकते हो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ चला सकते हो। कॉन्फिडेंस में गाड़ी चलाने का मतलब है कि आपको जब जानकारी होगी तभी आप अच्छे से गाड़ी ड्राइव कर पाओगे, जो वहाँ के ट्रैफिक के रूल्स हैं उनको फॉलो करोगे तभी आप कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी चला पाओगे। तो आज का वीडियो बिल्कुल इसी टॉपिक के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे जो एक्सपर्ट ड्राइवर है ना चंडीगढ़ में आने से डरते हैं, एक नर्वनेस आ जाती है जब भी आप चंडीगढ़ जाने के लिए सोचते हो। सबसे पहली बात तो आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, और फिर भी क्योंकि देखो रूल्स तो हर जगह पे ट्रैफिक के बने हुए हैं, हर सिटी के लिए बने हुए हैं, बट चंडीगढ़ में जो है ना वो अच्छे से फॉलो किए और करवाए जाते हैं। और उसका एक कारण ये भी है कि चंडीगढ़ पुलिस जो है वो काफी जागरूक है और काफी एक्टिव है, जो चप्पे चप्पे पे तैनात होती है। क्योंकि क्या होता है ना, चंडीगढ़ में जब भी आप जाने की सोचते हो तो किसी ना किसी का चालान तो कटा होता है वहाँ पे, और हर एक का एक्सपीरियंस यही होता है कि यार चंडीगढ़ में चालान जो है वो जल्दी से कट जाता है। अब जल्दी से वो इसीलिए कटता है क्योंकि हमें ट्रैफिक रूल्स का पता नहीं होता या उनकी उल्लंघना कर देते हैं, और फिर हमें पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पे तैनात है, वो घेर लेती है और एक अच्छा खासा चालान देना पड़ता है। अब ये जो चंडीगढ़ जाने पे आप इतना नर्वस हो जाते हो, ये इस वीडियो के बाद आपका काफी हद तक खत्म हो जाएगा। जो ड्राइविंग स्टाइल है, स्पीड पे या नियमों का पालन करते हुए अगर आप चंडीगढ़ में जाएंगे तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि डर इसलिए होता है कि हमें जानकारी नहीं होती कि कहाँ पे क्या करना है और राउंड अबाउट्स पे कहाँ पे गाड़ी रखनी है, फिर स्लिप रोड को कैसे यूज करना है। तो आज की इस वीडियो में बस यही दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप किन चीजों को फॉलो करके एक अच्छे तरीके से ड्राइव कर सकते हो चंडीगढ़ में, वो भी बिना चालान कटे हुए। तो चालान ना कटे उसके लिए आपको क्या करना है, अब ये एक रोड है जहां से मुझे राइट लेना है, ये ओल्ड पंचकुला है, अब रेड है तो रुकना है, ये वाला सिग्नल अगर आ जाता है और मेरी गाड़ी अगर तीसरे नंबर की लोकेशन पर है, जैसे कि मैं यहां पे बता रहा हूं तीसरे नंबर की लोकेशन पर है और मुझे राइट लेना है, तो मेरा चालान बनता है, मतलब चालान कटेगा, तो मुझे गाड़ी एक या दो नंबर पे रखनी पड़ेगी और इस सिग्नल में मैं अपनी गाड़ी आगे नहीं ले जा पाऊंगा। अब जो सिग्नल हुआ, अब मैं राइट ले सकता हूं और मेरी गाड़ी की पोजीशन जो है वो एक या दो पे ही होनी चाहिए जहां से भी मुझे राइट टर्न लेना है। इस तरीके से अभी ये हम चौक क्रॉस कर चुके हैं, और अगर राइड करती बार हमारी गाड़ी तीसरे नंबर की लोकेशन पर होती तो ये भाई साहब आपको ट्रेनिंग भी देते, बट उसका जो शुल्क है वो काफी ज्यादा होता। चलिए आगे चलते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हाईवे पे तीन लेन बनी हुई है, यानी कि तीन तरह की मार्किंग है जहाँ पे तीन गाड़ियां चल सकती हैं, और ये तीनों ही डॉटेड लाइन्स हैं। तो अगर हाईवे पे आपको ऐसी डॉटेड लाइन्स मिले तो इसका मतलब होता है कि आप आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक कर सकते, बाकी आगे और भी लाइन्स आएंगी जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको स्ट्रेट जाना है तो आप एक नंबर की पोजीशन में अपनी गाड़ी रखेंगे, और अगर आपको यहाँ से राइट लेना है तो दो नंबर की पोजीशन में आप अपनी गाड़ी को रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्लिप रोड भी है तो आप तीन नंबर पे भी स्ट्रेट जाने के लिए अपनी गाड़ी रख सकते हो, बट वो थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि आप हमेशा ये प्रैक्टिस फॉलो करेंगे और कहीं स्लिप रोड नहीं होगा तो आप वहां पे फंस जाओगे। सो इट्स बेटर टू कीप योर व्हीकल सेंटर में रखें अगर आपको स्ट्रेट जाना। अब जैसा कि सामने रेड लाइट है बट फिर भी स्लिप रोड को यूज किया जा सकता है इनकेस आपको लेफ्ट जाना है तो। अब चलिए आगे मूव करते हैं। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जब आपको क्रॉसिंग पे रुकना पड़ता है तो खास ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी जो है वो जेवरा क्रॉसिंग के ऊपर ना चढ़े, क्योंकि ये एक ऑफेंस है और इसमें भी आपका चालान कटता है। सो जब भी टाइमिंग होती है लाइट्स की तो उसका विशेष ध्यान रखें, थोड़ा सा एडवांस 2-3 सेकंड लेके चलें, अपनी गाड़ी पहले ही रोक दें, क्योंकि एक बार आपने अपनी गाड़ी अगर जेवरा क्रॉसिंग पे चढ़ा दी तो आप पीछे नहीं कर पाओगे, क्योंकि पीछे वाली ट्रैफिक आके पीछे आ चुकी होगी और इतने में फिर आगे वाले आपको घेर लें। चलिए आगे चलते हैं, और कुछ ड्राइविंग के टिप्स हैं जो सिटी ड्राइविंग करती बार आपको बहुत यूजफुल, मतलब काम में आते हैं। तो उसके लिए आप ब्रेक्स पे हमेशा रेडीनेस रखें, कभी भी आपको सडनली ब्रेक अप्लाई करना पड़ सकती है। दाएं बाएं से आने वाले व्हीकल का जब वो क्रॉस करते हैं उनके ऊपर ध्यान रखें, अपनी स्पीड पे नियंत्रण रखें। और यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि सामने देखिए लाइट्स जो है वो रेड हो चुकी है, बट फिर भी लोग देखते हुए भी पूरे फुल एक्सीलरेशन के साथ आगे जाते हैं ताकि आगे लाइन में लग सके। तो ऐसे में जब आपको रेड लाइट दिख जाती है तो आपको अपने थ्रॉटल से पैर उठा लेना चाहिए और न्यूट्रल, मतलब अपनी नॉर्मल स्पीड में गाड़ी को वहां तक जाने देना चाहिए। उसके फायदे ये होंगे कि आपको एकदम से ब्रेकिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपके ब्रेक शूज की लाइफ बढ़ेगी, आपके फ्यूल का खर्च कम हो जाएगा तो एवरेज भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा आपको लेन चेंज नहीं करना चाहिए, एग्रेसिवली ड्राइव नहीं करना चाहिए और कोऑपरेटिवली ड्राइव करते हुए चलना चाहिए, राइट से आने वाले व्हीकल्स को प्रेफरेंस देना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। ये एक
क्रॉसिंग है, यहाँ से लेफ्ट से भी गाड़ियाँ आती हैं और राइट की ओर क्रॉस करके जाती हैं पूरी। और जैसे कि मुझे तो सेंटर से मतलब सेंटर में रखनी है गाड़ी क्योंकि मुझे सीधा जाना है। थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग है क्योंकि लेफ्ट साइड से भी क्रॉसिंग है राइट साइड को, तो यहाँ से थोड़ा सा देख के म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही आप क्रॉसिंग लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो सामने सेडान कार है ये देखो लेफ्ट से अंदर की ओर घुस रही है और क्योंकि इसको राइट जाना है तो इसको बिल्कुल ऐसे ही क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है क्योंकि आप देखोगे कि ऐसे चौक जहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को हो जाती है, मतलब जो सिंपल नहीं होते हैं चौक क्रॉस करना, वहीं पे पुलिस ट्रैफिक वाले जो हैं वो तैनात रहते हैं ताकि वहीं पे लोग ज्यादा गलतियां करते हैं और वो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे उनको झट से पकड़ा जा सकता है, तो वही सीन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है और आपका चालान काट दिया जाता है। आगे चलते हैं और आगे सिटी ब्यूटीफुल का बोर्ड लगा हुआ है, आपका वेलकम है चंडीगढ़ में। और ये हैंड का डिजाइन भी उन्होंने ही, यानी कि जो स्विस कॉर्बूसियर थे जिन्होंने चंडीगढ़ का सेटअप डिजाइन किया था, उन्होंने ये हैंड का डिजाइन भी बनाया था। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे सामने आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कैमराज लगे हुए हैं जो कॉन्टिन्यूसली आपकी स्पीड को ट्रैक करते रहते हैं। जैसे ही आप स्पीड की लिमिट को क्रॉस करते हैं ये आपका चालान काट देते हैं और आपको एक मैसेज चला जाता है कि आपका चालान जो है वो ओवर स्पीडिंग का कट चुका है। ये वाली लाइट्स पे देखो आप स्ट्रेट भी जा सकते हो, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में एक्सेस कर सकते हो क्योंकि तीनों साइड की ही सिग्नल यहाँ पे आपको ग्रीन दिख रहे हैं। तो आप अगर स्ट्रेट जा रहे हो तो आप यहाँ पे सेंटर में रखें तो सही रहेगा। यहाँ पे वो सामने देखिए रेड लाइट जो है एक ब्लिंक कर रही है, दैट मीन्स वहाँ से भी लोगों को आने का रास्ता है और आप को रेड सिग्नल है ब्लिंकिंग, मतलब आपको स्पीड कम में वहाँ से क्रॉस करना है और हो सकता है कि उस साइड से लोग एंट्री ले रहे हों तो वो भी पास ऑन हो सकते हैं। और आपकी ये राइट साइड से हैं तो आपको इनको आने देना है, इनको फर्स्ट प्रेफरेंस देना। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं हाउसिंग बोर्ड के बड़े वाले चौक पे, यहाँ पे येलो से रेड हो चुकी है लाइट, अब रुकना पड़ेगा। और यहाँ पे भी लेफ्ट में स्लिप रोड है और यहाँ पे देखो जेबरा क्रॉसिंग है और दूसरी साइड का सिग्नल ऑन हो चुका है। तो जेब्रा क्रॉसिंग जो लोग पैदल चलते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि वो भी नियमों का पालन करें। अगर वो रोड क्रॉस कर रहे हैं तो ये उचित सही रहेगा कि आप जेब्रा क्रॉसिंग जो मार्किंग लाइंस है उनको यूज़ करते हुए रोड को पास करें। तो अब मैं जैसे कि आपको बताया कि स्लिप रोड का यूज़ कर सकते हैं, तो वो सामने देखिए जहाँ पे पुलिस वालों का एक छोटा सा कैबिन बन रहा है उसके बिल्कुल पीछे वो देखिए कार क्रॉस कर रही है, तो वो स्लिप रोड को यूज़ करता हुआ अपनी लेफ्ट साइड यानी कि वो लेफ्ट से आ रहा है और उसको अपने लेफ्ट में ही जाना है तो वो वहां से निकल रहा है, जबकि स्ट्रेट जाने वाली गाड़ियों के लिए यहां पे रेड सिग्नल हुआ पड़ा है। तो इस तरीके से अगर आपको लेफ्ट में ही जाना है और आपको स्लिप रोड वहां पे मिलता है तो आप वहां से पास ऑन हो सकते हैं। अब चलो आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ से लेफ्ट से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको अगर स्ट्रेट जाना है तो उनके लिए रेड लाइट है, बट लेफ्ट से जो गाड़ियाँ आ रही हैं और उनको अपने लेफ्ट में जाना है तो ये देखो स्लिप रोड यूज़ करके यहाँ से वो आ रहे हैं और लेफ्ट साइड को मूव हो रहे हैं। तो ये थे नॉर्मल लाइट्स और चौक जिनको हम इस तरीके से क्रॉस कर सकते हैं। अब हम चंडीगढ़ के मेन मध्य मार्ग में घुसने वाले हैं जहाँ पे हमारा सामना होने वाला है राउंड अबाउट्स से, तो वहाँ पे कैसे आपको क्या नियमों का पालन करना है वो अब देखते हैं। बट उससे पहले देखो लोग कितना रिस्क ले लेते हैं, गाड़ी में जगह नहीं है तो डिक्की में किसी पर्सन को बैठा दिया गया है। जस्ट इमेजिन कीजिए कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो इम्पैक्ट कितना ज़्यादा हो सकता है अगर पीछे से कोई व्हीकल बाय चांस हिट कर देता है। ऐसी प्रैक्टिसेस हमें नहीं करनी चाहिए। अब ये देख लीजिए यहाँ से भी लोग लेफ्ट ले रहे हैं क्योंकि इनको अगले चौक से लेफ्ट जाना है, तो आप भी ऐसे स्लिप रोड को यूज़ कर सकते हैं, यहीं से लेफ्ट ले लीजिए, ना कि आप आगे चौक पर जाके लाइट का वेट करें और वहाँ से लेफ्ट लें, सो वो आपका टाइम भी किल करेगा। और यहाँ पे देखिए ये एक शल्लू इसको कहा जाता है, यानी कि एयर प्यूरीफायर। यहाँ पे चंडीगढ़ का एयर इंडेक्स क्या है, क्वालिटी कैसी है एयर की, वो यहाँ पे आप मॉनिटर कर सकते हैं, उसको मॉनिटर किया जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। वैसे भी आपको पता ही है शहरों में सिटीज में इतनी सारी गाड़ियां तो पोल्यूशन होना तो बनता ही है और दिल्ली जैसी सिटी में तो बहुत ही बुरा हाल हो चुका है एयर क्वालिटी का। तो ये देखिए अब मैंने अपने फोन का मैप ऑन कर लिया है और कुछ इस तरीके से नेविगेट करता है सिस्टम जब हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से हमें आगे एक राउंड अबाउट क्रॉस करना है और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आपको स्ट्रेट जाना है, यहाँ से देखिए यहाँ पे तीन लेन है, राइट लेफ्ट और मिडल में है, तो अगर आपको स्ट्रेट जाना है तो आपको मिडल में अपनी गाड़ी रखनी होगी। और नेविगेशन के हिसाब से जो इंस्ट्रक्शन आती है, अगर आपको राइट लेना है तो थर्ड एग्जिट बोला जाएगा, लेफ्ट लेना है तो फर्स्ट एग्जिट, और अगर आप स्ट्रेट जा रहे हैं तो सेकंड एग्जिट आपको करना। इस तरीके से स्पेशली राउंड अबाउट्स पे फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जिट यूज किया जाता है राइट लेफ्ट और स्ट्रेट जाने के लिए। तो अभी हम तो स्ट्रेट जा रहे हैं, हम मिडल में रहेंगे, बट I-10 वाले को देखिए उसने थर्ड एग्जिट करना है कि यानी कि यहाँ से राइट लेना है, तो वो यहीं से अपने इंडिकेटर जो है वो ऑन कर ले
करेगा ताकि दूसरी गाड़ियों को भी संकेत मिल जाए कि ये पर्सन जो है वो राइट यहाँ से लेना चाहता है या इस डायरेक्शन की ओर जाना चाहता है। तो यहाँ पे इंडिकेटर का यूज करना भी अनिवार्य होता है। जैसे इस वाली लोकेशन जहाँ पे अभी मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे मुझे लेफ्ट का इंडिकेटर ऑन करना होगा ताकि जो मेरे लेफ्ट से लोग आ रहे हैं उनको पता चल जाए कि ये पर्सन स्ट्रेट जाना चाह रहा है। मेरी जो आगे डेस्टिनेशन है उसके हिसाब से मुझे ये राउंडबाउट से भी स्ट्रेट ही जाना है। और यहाँ पे राउंडबाउट में आपको मैं दिखाता हूँ, अगर राइट से आने वाली गाड़ियों की डिस्टेंस बहुत कम है तो आप उनको पहले जाने देंगे, अगर आपको लगता है कि उनके यहाँ पहुँचने तक मैं निकल जाऊँगा तो आप निकल सकते हैं, अदरवाइज जो राइट से गाड़ियाँ आती हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देना होता है। क्योंकि इसका रीज़न यही होता है क्योंकि हम राइट साइड अपनी अच्छा देख सकते हैं लेफ्ट साइड की बजाय। चलिए आगे चलते हैं और अगले वाले चौक से मुझे राइट लेना है, यानी कि नेविगेशन के हिसाब से मुझे थर्ड एग्जिट करना है। और ये देखिए चंडीगढ़ में राउंड अबाउट्स पे भी कहीं कहीं आपको लाइट्स देखने को मिलेंगी जहां आपको रुकना पड़ता है, बट ये वाली लाइट जो है वो ब्लिंकिंग है तो आप अच्छे से देख के जा सकते हो। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, अगर आपको राइट लेना है तो राइट साइड वाली लेन में अपनी गाड़ी रखनी है। तो मैं वहां से चलता हुआ राउंड अबाउट के इस लोकेशन तक जाऊंगा और जब जैसे ही ये वाली मार्किंग आएगी मैं यहां से लेफ्ट इंडिकेटर ऑन कर दूं ताकि इस पर्टिकुलर पोजीशन की लेफ्ट साइड से जो गाड़ियां आ रही हैं उनके ड्राइवर्स को ये पता चल जाए कि ये वाली गाड़ी यहां से स्ट्रेट जाना चाह रही है। तो इसीलिए जब भी आप राउंड अबाउट को क्रॉस करें तो सिग्नल इंडिकेटर्स का प्रयोग जरूर करें ताकि दूसरे लोगों को ये पता चल जाए कि आप आगे कौन सी दिशा में जाने वाले हैं। अब मेरी डेस्टिनेशन के हिसाब से मुझे अगले राउंड अबाउट पे लेफ्ट लेना है तो नेविगेशन के हिसाब से यहां पे फर्स्ट एग्जिट कहा जाएगा। जैसे कि मेरी डेस्टिनेशन के हिसाब से आने वाले राउंड अबाउट से मुझे लेफ्ट लेना है, गूगल के हिसाब से ये फर्स्ट एग्जिट होगा, तो मैं अपनी गाड़ी को बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे ही रखूंगा और इंडिकेट करता हुआ लेफ्ट को टर्न कर जाऊंगा। अब बीच में चंडीगढ़ में कहीं ऐसी मार्किंग्स भी आपको मिल सकती हैं रोड के बीचों बीच, ऐसे इस तरीके से कुछ रोड बनाया गया है ताकि जो साइकिल हैं उनको चलाने के लिए ये एक स्पेशल ट्रैक है। और ये रही ज़ेब्रा क्रॉसिंग जिससे हम रोड के इस साइड या उस साइड से इधर आने के लिए यूज़ करते हैं। एक और चौक है जहाँ पे चार रास्ते हैं और अगर मुझे यहाँ से राइट लेना है तो एक्सट्रीम राइट में रखते हुए मुझे व्हीकल को इस तरीके से मूव करना है यहाँ पे। अभी देखिए जैसे ही अगला चौक हम क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे ट्रैफिक साइंस मार्किंग और स्पीड लिमिट और येलो लाइन रूल क्या है चंडीगढ़ में उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चौक को मटका चौक के नाम से जाना जाता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ से टर्न लिया तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे एक येलो लाइन कटी हुई है। इसका मतलब होता है कि जो भी टैक्सी नंबर है, बस ट्रक ऑटोज, जो भी टैक्सी नंबर गाड़ियाँ हैं वो इस येलो लाइन के अंदर चलेंगे। येलो लाइन रूल को मैं थोड़ा सा और विस्तार से समझाऊं, उससे पहले जान लीजिए कि स्पीड लिमिट क्या है। तो जिस जगह पे हम चल रहे हैं इस जगह पे हैवी व्हीकल्स की स्पीड लिमिट है 50। आगे चल के लाइट की देखते हैं। लाइट पे देखिए मोटरसाइकिल दिख रहा है और नीचे कार का सिंबल दिख रहा है, तो यहाँ पे दोनों की स्पीड 60 की लिमिट है। और ये मैं इस रोड की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हाईवे, सिटी रोड, सिंगल रोड की स्पीड लिमिट्स अलग अलग होती हैं, ये कहीं भी वेरी कर सकती हैं, सो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो अब तक तो शायद आपने नोटिस कर लिया होगा कि येलो लाइन रूल क्या है। सामने देखिए एक गाड़ी जा रही है जिसकी नंबर प्लेट का रंग येल्लो है, यानी कि ये टैक्सी नंबर गाड़ी है, तो इस गाड़ी को इस येलो लाइन के अंदर चलना होता है। तो रूल के हिसाब से येलो प्लेट वाली गाड़ी अगर व्हाइट लाइंस के अंदर आती है तो उसका चलान कटेगा, और व्हाइट नंबर प्लेट वाली गाड़ी अगर येलो लाइन वाली एरिया में जाती है तो उसका चलान कटेगा। तो इसीलिए ये गाड़ियां देखो येलो नंबर प्लेट वाली इस एक ही लेन में इसके अंडर ही चलती हैं, ये देखिए। अब चलिए आगे चलते हैं और सामने देखिए राउंड अबाउट्स पे जो लाइट की स्टेटस है वो भी ब्लिंकिंग मोड में है, तो आप यहाँ पे भी देख के अच्छे से जांच परख के दाएं बाएं देख के इजीली क्रॉस कर सकते हो। और दूसरी चीज़ यहाँ लेफ्ट में देखिए ये एक स्लिप रोड है और यहाँ पे एक साइकिलिंग का पाथ भी बना हुआ है, यहाँ पे सिंबल लगा हुआ है साइकिलिंग का, तो यहाँ पे जब आप क्रॉस करो तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे साइकिल वाले भी राइड कर रहे हैं। बाकी जो लोग साइकिल चलाते हैं उनके लिए भी बाकी के रूल्स सेम ही रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए सामने एक राउंड अबाउट है, यहाँ पे लाइट रेड हो रखी है, तो सबसे पहले तो पेडेस्ट्रियन अपने निकल जाएंगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करते हुए। उसके बाद जब लाइट ग्रीन हो जाती है, मान लीजिए यहाँ से हमने मुझे थर्ड एग्जिट करना है यानी कि मुझे राइट जाना है, तो मैं अपनी मिडल वाली लेन में रहूँगा। और राउंड अबाउट में एक चीज़ और ध्यान रखने वाली होती है कि हो सकता है लाइट अभी ग्रीन हुई है, जैसे ही आप आधा राउंड अबाउट क्रॉस करो और दोबारा से लाइट जो है वो रेड हो जाए तो आप अपनी लेन में रुकते हुए लाइट का इंतज़ार करना है, जैसे ही ग्रीन होती है तो आप आगे मूव कर सकते हो। और जैसे देखिए ये हरे वाली बस जो है इसको राइट जाना था तो इसने एक्सट्रीम राइट में रखी हुई थी, और जो हरियाणा रोडवेज की दूसरी बस आई उसको जाना था स्ट्रेट यानी कि यहाँ से थर्ड एग्जिट, तो उसने मिडिल में रखा हुआ था। इस तरीके से आप अगर राउंड अबाउट्स पे लाइट्स भी हैं तो उनका
उनको देखते हुए क्रॉस कर सकते हो। बाकी ये भी देख लीजिए, ये एक स्लिप रोड का एग्जांपल है। और बीच में अगर आप ड्राइविंग करती बार अपनी स्पीड की लिमिट देखना भूल जाओ तो ये देखिए रास्ते में कुछ मीटर्स लगे हुए मॉनिटर करते रहते हैं आपकी गाड़ी की स्पीड और आपको बताते रहते हैं। अब ये जो क्रॉसिंग है इसको माजरी चौक के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि आगे वाली गाड़ियाँ जो हैं उनको रेड सिग्नल हो जाता है और पीछे वाली गाड़ियाँ जो हैं वो बीच में फंस जाती हैं। सो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजिंग है और ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे रहती है और जो गाड़ी भी पीछे खड़ी होगी यानी कि जो इस साइड से जाने वाले लोगों के रास्ते में खड़ी होगी उसका चालान काट दिया जाएगा। और यहाँ पे खास तौर से ध्यान रखें, आई थिंक काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न आपकी क्लियर हो गई होंगी। और यही है कि आप अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट पूरे रखें, गाड़ी की स्पीड के ऊपर खासा ध्यान रखें और बीच बीच में मीटर स्पीडोमीटर चेक करते रहें क्योंकि इतने स्मूथ है रोड चंडीगढ़, आपको पता है सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है तो रोड भी उतने ही खूबसूरत हैं। तो गाड़ी कब 60 क्रॉस कर जाएगी वो आपको पता भी नहीं चलेगा। और इतना नहीं है, 60 मतलब हर कहीं 60 नहीं है, कई कई प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको 45 से भी ऊपर नहीं जाना होता है। जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उनको फॉलो करें और स्पीड का खास ध्यान रखें, आपका कोई चालान नहीं काट सकता।